नमस्कार, रागगिरी वीकेंड इंटरव्यू सीरीज में आप सभी का स्वागत है। हमारे आज के मेहमान हैं उस्ताद कमाल साबरी साहब। परिचय की यूं तो कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन अगर एक लाइन का परिचय मुझे देना हो तो मैं कहूँगा कि पद्म भूषण साबरी खान साहब को अगर सारंगी सम्राट कहा जाता था तो उनकी परंपरा को इस कदर निभाया है कि आपको कहा जाता है प्रिंस ऑफ सारंगी। तो बातचीत की शुरुआत पहले स्वागत से करते हैं। उस्ताद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। उस्ताद जी, पहला सवाल तो दरअसल सवाल नहीं है, बल्कि मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जब हम बातचीत कर रहे हैं तो आपकी जो परंपरा है, आपकी जो रवायत है, आपका जो सातवीं पीढ़ी के आप कलाकार हैं, वो बचपन, वो सीख, अपने बुज़ुर्गों को याद करने का ये मौका है, वो सब कुछ याद करिए, वो यादें हमसे साझा कीजिए। आज जो भी मतलब फैमिलीज़ हैं, ट्रेडिशनल फैमिलीज़, उसमें यही परंपरा रहती है कि बच्चों को सिखाया जाता है, फिर उनको अच्छी तरह रियाज़ कराया जाता है, फिर एक टाइम आता है वो ख़ुद अच्छे कलाकार बनते हैं और दुनिया में अपने कला को दिखाते हैं, दर्शाते हैं और लोगों का प्यार लूटते हैं और उनकी दुआएं लूटते हैं। इसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं और सफ़र जारी रहता है। ये ऐसा सफ़र है कि कभी रुकने वाला नहीं है। हमारे बाद कोई और आएगा, हमसे पहले कोई और था, आज हम हैं, हमारे बाद डेफिनेटली कोई ना कोई और आएगा। तो सफ़र जारी रहना चाहिए और कोशिश यही करनी चाहिए कि जो आपका मैसेज है वो जनता तक आप अपने कार्यक्रम के ज़रिए या अपने कला के ज़रिए उनको एक अच्छा पैगाम दें, अच्छा संदेश दें, अपने प्यार मोहब्बत का संदेश दें, अमन और शांति का पैगाम दें। इसी से प्यार और मोहब्बत और उनकी दुआएं लूटते रहें। अच्छा उस्ताद जी, पद्म भूषण साबरी खान साहब आपके पिता भी रहे, आपके गुरु भी रहे, जब ये डबल रोल होते हैं तो ये पिता का रोल वो लाड़ प्यार, गुरु के तौर पर, उस्ताद के तौर पर वो थोड़ा डांटना डपटना, कौन सा पक्ष ज़्यादा स्ट्रांग था, आपको क्या याद आता है? जब सिखा रहे हैं तो उस वक़्त उस्ताद का उनका ज़्यादा रुतबा रहता है और दर्जा रहता है, क्योंकि सिखाते वक्त अगर वो बाप का रोल अदा करेंगे तो उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं गुंजाइश नहीं बन पाएगी कि ठीक तरह से सिखा पाएँ, क्योंकि उस वक्त गुस्सा भी आएगा और नाराज़गी भी होगी कि इतनी देर से मैं कोई चीज़ बता रहा हूँ, समझ नहीं आ रही है। तो उस वक्त उनका उस्ताद का ही दर्जा रहता है। जब पिता भी कोई सिखा रहा है अपने, चाहे उनका बेटा ही हो, तो उसका दर्जा ये रहता है कि क्योंकि माना जाता है कि उस्ताद जो होता है वो वालिद से भी ज़्यादा रुतबा रखता है, क्योंकि अपनी कला दे रहा है, अपने ज़िंदगी जीने का आपको तरीक़ा सिखा रहा है, आगे आपका ज़रिया माश वो बनेगा, आर्थिक जो सारा वो रहेगा वो उसी से रहेगा। तो ये मानना कि जब आप नहीं सिखा रहे उस वक़्त बाप बड़ा बैलेंस करना पड़ता है, और मेरे वालिद साहब को मैंने देखा कि बड़ा अच्छी तरह बैलेंस करके उन्होंने हमें सिखाया, और जो शागिर्द हैं उनको भी ये नहीं समझा कि बेटे को ज़्यादा सिखाऊं या शागिर्द को, शागिर्द को भी वही शिक्षा दी। बाकी सब आपका अपना अपना नसीब है, कौन कहाँ जाके आगे बढ़ता है, लेकिन शिक्षा में उन्होंने कभी कमी नहीं की और हमें भी वही शिक्षा दी जो शागिर्द को देंगे, या बेटे को भी वही सिखाया जो शागिर्द को सिखाया। अब हम ये ऊपर वाले की मेहरबानी है कि किसको क्या नसीब होता है, लेकिन शिक्षा में उन्होंने तालीम में कोई कमी नहीं की। वो जो घरानेदार तालीम है वही अपने शागिर्द को दी, वही अपने बेटे को दी। आज हम जो कुछ भी हैं सब उनकी दुआओं का नतीजा है, उनकी शिक्षा, उनकी तालीम का नतीजा है, और उसका सारा श्रेय उन्हें जाता है, हमारे वालिद साहब को और वालदा साहिबा को, कि वालदा साहिबा ने हमें सही रास्ता दिखाया कि इस वक्त उठो और रियाज़ करो और वालिद साहब का कहना मानो। तो सबसे पहला जो तालीम होती है वो माँ ही देती है, माँ का सबसे पहला शिक्षा होती है, कि कहते हैं टीचर जो सबसे पहली होती है वो माँ होती है। तो माँ जैसे जैसा बच्चे को सिखाती रहती है फिर वैसा वो आगे बढ़ता है। तो उन्होंने यही सिखाया कि उस्ताद का हमेशा उस्ताद की बात मानो और उनके जो बता रहे हैं उस पर चलोगे तो इंशाल्लाह कामयाबी मिलेगी। कहते हैं कि उस्ताद हो कामिल, शागिर्द हो आमिल, खुदा हो शामिल। तो इस करके ऊपर वाला कामयाबी देता है, सबसे पहले उसका ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए और उसके बाद आपका जो उस्ताद है वो मुकम्मल होना चाहिए, अपने काम में परिपक्व होना चाहिए, और आपका अमल है, आपका काम है, दिखिया सिखिया परखिया कर्तव्या,
कि देखो, सीखो, परखो, खुद करो, और फिर उसमें फिर कर्तव्य और कमाल पैदा होता है। और आपने तो 8 साल की उम्र में पहला कॉन्सर्ट किया था, तो शैतानी के लिए समय मिला या कॉन्सर्ट में ही समय निकल गया? नहीं, शैतानी भी अपना टाइम पे वो भी चलती थी, लेकिन जब रियाज का टाइम है अपना एक, तो क्योंकि बचपन से ही वालिद साहब ने और गुरुओं ने ये डाला ध्यान में कि इस काम को आपने करना है। एंड मैं समझता हूँ मैं अपनी फैमिली में बड़ा फॉर्चुनेट रहा इस चीज़ में कि मुझे अपने वालिद का काम करने की करने का मौका मिला, और उनकी जो परंपरा है हमारे घराने की, जिसको ट्रेडिशन कहते हैं सारंगी की, उस सास को मुझे दिया गया, जिम्मेदारी को मुझे सौंपा गया कि आपने इस काम को आगे लेके जाना है। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, और आप सबकी दुआओं से ऊपर वाला कामयाबी दे रहा है, ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है कि करम कर रहा है वो, तो इसी तरह आपकी दुआएं रहें तो आगे और सफ़र आसान होता रहेगा। हम अक्सर संगीत में बात करते हैं घरानों की, चाहे वो शास्त्रीय संगीत गायकी हो या फिर वादन हो, आप अपने घराने के बारे में भी बताइए। भाई, घराना हमारा मुरादाबाद घराना, हमारे जो बुज़ुर्ग उस्ताद छज्जू खान साहब, नज़ीर खान साहब, उस्ताद अमन अली खान साहब, वही परंपरा हमारी चली आ रही है। हमारे दादा उस्ताद छज्जू खान साहब, उस्ताद हाजी मोहम्मद खान साहब, उस्ताद कल्लन खान साहब, मौला बख्श खान साहब, इलाही बख्श खान साहब, सब सरंगी वादक रहे। तो मैं अपने घराने की 7वीं पीढ़ी को दर्शाता हूँ। तो हमारे घराने की जो ख़ास बात है वो ये कि सारंगी के जो प्रकार, जिस तरह से सारंगी को बजाना जाना चाहिए, जो असली एक उसकी जो बारीकियां हैं, वो हमारे घराने में ऊपर वाले के करम से सबसे परिपक्व घराना माना जाता है सारंगी का, मुरादाबाद घराना। और उसमें से जो सारंगी में सबसे बड़ा नाम हुआ वो उस्ताद साबरी खान साहब का, बल्कि घराने में नहीं बल्कि भारतवर्ष में अगर किसी ने सारंगी को सबसे ज़्यादा पहुँचाया हर कोने कोने में दुनिया में, क्योंकि उस्ताद साबरी खान साहब ने ही सबसे पहले सारंगी को इंट्रोड्यूस किया अराउंड द वर्ल्ड, और वो फिर विजिटिंग प्रोफेसर रहे यूनिवर्सिटीज़ में, US में और दूसरी दीगर यूनिवर्सिटीज़ में। तो उनकी ये ख़ासियत थी कि सारंगी को हर रंग में, क्योंकि सारंगी का पुराना नाम सौरंगी कहा गया है, तो अगरचे 100 रंग किसी सारंगी वादक ने दर्शाए तो वो उस्ताद साबरी खान साहब हैं। उसमें चाहे धुरपद, धम्मार, ख्याल, ठुमरी, कजरी, चैती, फोक सॉन्ग, गज़ल, भजन, कवाली, हर रंग को उन्होंने बहुत अच्छी तरह पेश किया, और वो सारंगी के शहंशाह कहलाए, आफ्ताब सारंगी कहलाए। तो उनकी जो हमारे घराने की ख़ासियत थी वो यही है कि चौमुखी सारंगी, जिसमें हर रंग नज़र आना चाहिए सारंगी का। ये नहीं कि सिर्फ सोलो बज रही है या सोलो में भी 2-3 तारें तैयार करके तो आर्टिस्ट बन गए। हर रंग की तान, हर रंग की बंदिश, हर घराने की गायकी सारंगी में बजनी चाहिए, जो उस्ताद साबरी खान साहब ने दिखाया, और हम कोशिश कर रहे हैं उनके नक्शे कदम पर चलने की। और यही है दुआ के ऊपर वाला हमें किसी मंजिल तक, अच्छी मंजिल तक पहुँचाए। तो ये जो उनकी ख़ासियत थी वो यही थी कि सारंगी के हर रंग को बहुत खूबसूरती से पेश किया उन्होंने, और जो उसका ट्रेडिशन तरीक़ा है उस तरीके से पेश किया। और हमें भी ये सिखाया कि अगर आप फ्यूजन भी कर रहे हो तो इस लिहाज से करो कि रागदारी को ठेस ना पहुँचे, राग ख़राब ना हो। ये नहीं कि रागों को लेके और जनाब अली फ्यूजन करे जा रहे हैं, उसको परेशान कर रहे हैं, और जिसने वो राग बनाए या वो पुराने राग हैं उसकी आत्मा को भी तकलीफ़ हो रही है कि ये क्यों हमें बंदिश इसमें लेके। फ्यूजन करना भी है तो आप अपनी कॉम्पोजिशन करें और उसको उस तरह से करें। उन्होंने कभी इस चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया कि आप राग को लेके या पुरानी बंदिशों को लेके उसको डाइल्यूट करें, उसको तकलीफ़ दें। हमेशा ये कहा जी अपनी आप कुछ नई कॉम्पोजिशन करें, उसमें अपना आप फ्यूजन करें जो आपका मन है। तो हमने फ्यूजन भी किया सारंगी के साथ, दुनिया में सारे बड़े बड़े आर्टिस्टों के साथ हमने बजाया और बजा रहे हैं, और आगे भी करते रहेंगे आपकी खिदमत। अच्छा, कभी उस्ताद जी से ये पूछने का मौका मिला कि पहला राग भैरव क्यों? भैरव को माना जाता है कि एक जो थर्ड आई है आपने देखा है, तो वो नॉलेज की आई है, एक मालूमात, तजर्बे की एक रोशनी है। तो भैरव को माना जाता है कि ये वो पहला राग है जिससे कि नॉलेज शुरू होती है। जैसे किसी भी आप इंग्लिश सीखेंगे तो ABCD, तो भैरव एक ऐसा राग है जो संगीत की ABCD माना जाता है। तो इससे जब आप शुरू करते हैं और उसके बाद जो आपके अंदर एक नॉलेज, एक इल्म आता है, एक तालीम आती है, एजुकेशन आती है, वो बड़ी परिपक्व होती है, बहुत उसके अंदर फाउंडेशन बड़ी मजबूत होती है। ये फाउंडेशन राग माना गया है भैरव को।
ऊपर वाले का नाम लेके आप शुरू करते हैं और उसमें फिर ये कि अलग अलग अलंकार, फिर बंदिश का नंबर आता है सारंगी में, ये कि सबसे पहले गज को साधना, उसके बाद लेफ्ट हैंड की तीन फिंगर जिससे स्वर निकालते हैं आप उसको समझना, और उसके बाद अलंकार पलटे या एक्सरसाइजेज अंग्रेजी में जिसको बोलते हैं वो करना, और फिर बंदिश और तबले के जो सबसे बेसिक ताल है तीन ताल 16 बीट्स उसको समझ के उसमें बंदिश को उसको बांधना और उस बंदिश को बजाना। गज की बंदिश अलग है, तान की बंदिश अलग है, और एक स्वर सरगम की बंदिश होती है। तो ये सारी चीज़ें करके फिर आपका आगे उस भैरव के पास के जो राग हैं, दोपहर में मुल्तानी राग, रात को यमन राग, ये बेसिक तालीम होती है जो शुरू में किसी भी मेरे ख्याल है ट्रेडिशनल फैमिली में सिखाई जाती है। उस्ताद जी, ढेर सारे रागों का जिक्र हो गया, बहुत सारी रागों का आपने नाम लिया, तो अब गुजारिश करेंगे कि कुछ हमें सुनाइए भी। जी जी जी, मैं आपको सुबह का ही एक राग सुना रहा हूँ। राग बसंत मुखारी राग है और सुबह का राग है, जो इसमें एक तीन ताल की बंदिश में आपको सुनाने जा रहा हूँ। मेरे साथ तबले पे रमीज़ भाई हैं, रमीज़ हसन राजा इनका नाम है। मैं ये समझना चाहूँगा कि सारंगी के साथ एक जो दो तीन चीज़ें मैं कहता हूँ और आप उसको फिर हमें बताइएगा। एक तो ये थॉट प्रोसेस हो गया कि साहब कोई बहुत ही सैड एक इंस्ट्रूमेंट है, जो बहुत ही कोई दुखद घटना होगी तब सुनने को मिलता है। एक अवधारणा या मान्यता ये भी रही कि ये तो कोठे पर बजने वाला इंस्ट्रूमेंट है। और तीसरी जो बात मैं आपसे जानना चाहूँगा वो ये कि क्या
आपको लगता है कि पिछले कुछ समय में जो संगत के वाद्य यंत्र के तौर पर सारंगी की जगह थी उसको हारमोनियम ने काफ़ी तेजी से पीछे छोड़ा है, हारमोनियम ज़्यादा प्रमुख तो होता गया है, इन तीनों विषयों पर आपकी क्या राय है? सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बड़ा मुकम्मल साज है। इसका एक जो रंग है, जो सैडनेस बोल लें आप, या उसमें जो एक रंज का साउंड है, वो बहुत अच्छी तरह से निकलता है सारंगी में, और ये ज़रा ज़्यादा लोगों तक पहुंचा है। लेकिन उसके साथ साथ अगर आप देखें तो खुशी का संगीत या ऐसा म्यूज़िक जिससे आप डांस महसूस कर सकें, वो भी सारंगी में बहुत अच्छी तरह बजाया जा सकता है। जैसे कि आप राजस्थान में देखते हैं सारंगी में, तो उसमें देखते हैं एक डांसर डांस कर रही है और सारंगी में वो जादू हो रहा है और वो उसको दर्शा रही है। तो सारंगी क्योंकि सौरंगी है तो इसके हर रंग हैं इसमें, उसमें से आप दुख का संगीत या खुशी का संगीत दोनों बहुत अच्छी तरह निकाल सकते हैं। और मैंने इसके उदाहरण के तौर पे एक एल्बम भी की थी, डांस ऑफ द डेजर्ट, जो जिसमें मैंने ये दर्शाया कि सारंगी न सिर्फ एक दुख का साज है बल्कि इसमें आप डांस भी महसूस कर सकते हैं। खुशी, क्योंकि खुशी जब होती है तो आप नाचना चाहते हैं, दो तरीके के नाच होते हैं, एक मन से नाचते हैं आप जब अलाप हो रहा होता है और तो आपका मन एकदम मगन हो चुका होता है, और एक डांस होता है जो फिज़िकल आप नाचते हैं। तो ऐसा संगीत भी इसमें उतना ही, क्योंकि मैंने बहुत सारी एल्बम्स की जिसमें सिर्फ डांस का म्यूज़िक था, सारंगी फंक एल्बम मेरी की मैंने डांस ऑफ द डेजर्ट की, तो यही चीज़ दर्शाने की कोशिश की कि सारंगी न सिर्फ एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिससे आप सिर्फ कोई मर जाए तो उसको खिराज अकीदत या उसको आप ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं, ये उतना ही खुश है कि किसी की शादी है, कुछ खुशी का माहौल है तो उसमें भी सारंगी को आप बजाएं। दूसरा ये कि कोठे पे अगर सारंगी बज रही है, वो वक्त ऐसा था कि उस वक्त मौसीकी होती वहाँ थी, और कुछ ऐसा भी था कि जो उस मौसीकी में लोग जाते थे या डांस करती थी या लड़कियाँ लेडीज़, उसको अच्छा नहीं माना जाता था क्योंकि वो मानसिक उनकी सोच ऐसी बन गई थी। अब तो हर घर में डांस हो रहा है, हर लड़की जो है ना वो डांस कर रही है और फिल्मों में आने की कोशिश कर रही है, तो वो वक्त के हिसाब से चेंज होता रहा। पुराना वक्त ऐसा था जबकि इस चीज़ को अच्छा नहीं समझते थे, और उस वक्त काम सारंगी प्लेयर्स के पास वहीं मिलता था क्योंकि मौसीकी वहीं ज़्यादा होती थी, उसमें तबला भी है, सितार भी है, तो वहीं परफॉर्मेंसेज हो रही हैं। सारंगी को इसलिए ज़्यादा उस तरफ देखते थे क्योंकि वो गाने के साथ संगत करती थी, और किसी को ये शर्फ हासिल नहीं है कि गाने के साथ, क्योंकि गाने के संगत ही जो है वो बहुत मुश्किल है, वो आसान काम नहीं है। तो सारंगी को ये शर्फ और सारंगी को ये रुतबा हासिल है कि वो गाने को भी उतार के रखती है। कोई भी गाना आप दे दें तो वो सितार में मुमकिन नहीं है, वो फ्लूट में मुमकिन नहीं है, या और कोई वाद्य यंत्र है उसमें वो सरोद में मुमकिन नहीं है, सारंगी में मुमकिन है। क्योंकि सारंगी के 100 से मैं समझता हूँ कई हज़ार रंग हैं, और सारंगी एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो गाने के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, जो गायकी को अगर 99.9% उतारता है हाथ में तो वो सारंगी होती है। सरोद प्लेयर या सितार प्लेयर यही कहते रहते हैं कि जी हम गायकी अंग बजा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं गायकी की, सारंगी पे तो बजता ही गायकी अंग है। तो सारंगी तो गाने के सबसे ज़्यादा नज़दीकी साज है, और सारंगी से बढ़कर गाने को अगर फॉलो कोई कर सकता है तो वो सिर्फ सारंगी है। उसके साथ एक और चीज़ मैं बताता हूँ कि सारंगी सोलो भी बज रही है अब, तो सारंगी तो बढ़ ही रही है ना, ये तो संगत करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि आप संगत जब कर रहे हैं तो कभी कोई गज़ल गा रहा है उसकी भी संगत कर रहे हैं, कभी कोई ख्याल गायकी गा रहा है तो उसकी भी संगत कर रहे हैं, भजन गा रहा है या ध्रुपद संगीत गा रहा है, उसमें मेरे वाली साहब ने सीनियर्स डागर ब्रदर्स के साथ भी संगत की, उसकी आप देख लें यूट्यूब पे रिकॉर्डिंगें लगी हुई हैं, उन्होंने धमार भी सारंगी पे अगर किसी ने बजाई है धमार तो उस्ताद साबरी खान साहब ने, और धमार ऐसी खूबसूरत बजाई है कि बजाना ही मुश्किल है, वो उसमें हाथ डालना ही आदमी 10 बार ही सोचेगा कि ये रंग क्या मैं बजा सकता हूँ, क्योंकि उसकी अलग तालीम है। इसलिए क्योंकि सारंगी सौरंगी कहा गया है तो हर रंग होना चाहिए सारंगी में, ये नहीं कि बस अपना तीन ताल लेके उसी को बजाए जा रहे हैं, उसमें बड़ा बना लिया, उसमें भी ख्याल नहीं बजा रहे, एक लय उसकी बना ली, उसकी गत बजा रहे हैं उसमें। अगर आप सारंगी प्लेयर हैं, ख्याल है तो ख्याल बजाइए ना आप, बंदिश अगर है तो वो ख्याल की होनी चाहिए, तो वो ट्रेडिशनल ख्याल होना चाहिए। तो सारंगी सौरंगी है, उसमें हर रंग नज़र आना चाहिए। तो मेरे ख्याल है कि संगत जो है
वो एक बहुत मुश्किल काम है। और अब आजकल आजकल अगर गवैयों ने उसको लेना छोड़ा, क्यों वो क्यों थ्रेटन महसूस करने लगे, एक ऐसी चीज़ महसूस करने लगी, क्योंकि जब गवैये के साथ, ये तीसरा आपका क्वेश्चन था, सारंगी बज रही है तो सारंगी उसको उतार के रख रही है, तो सारंगी को कहीं अगर क्लैप मिल गई या ज़्यादा वाहवाही मिल गई तो कभी कभी गवैया जो है ना वो उससे वो थ्रेटन या उससे अनकंफर्टेबल भी महसूस करने लगा कि यार ये तो पूरा उतार दिया जो मैंने अभी मैं इतने सालों से रियाज कर कर आया हूँ। सारंगी प्लेयर तो उसी वक्त उसको कह रहा है। और दूसरा ये भी कि सारंगी के साथ गाना भी आसान नहीं है, उसके लिए अलग एक, जैसे पुराने ट्रेडिशनल गवैये हुए उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, ये लोग सारंगी लेके ही गाते थे। अपना पुरानी रिकॉर्डिंग में आप देखेंगे पंडित नारायण राव व्यास जी या विनायक राव पटवर्धन जी या बड़े गुलाम अली खान साहब, उस्ताद अमीर खान साहब, ज़्यादातर उन्होंने सारंगी को इस्तेमाल किया। मेरे वाली साहब ने बहुत संगत की, बड़े गुलाम अली खान साहब की भी, अमीर खान साहब की भी, और उनसे बड़े जो उस वक्त के सारंगी वादक रहे उन्होंने भी उनके साथ, बेगम अख्तर जी के साथ, और ये गज़ल और ठुमरी दादरा ये सब, तो वो अलग रंग की संगत होती थी। तो आजकल जो है वो इसलिए भी नहीं ले रहे क्योंकि सारंगी प्लेयर्स को संगत की भी एक अलग तालीम होती है कि संगत कैसे करनी है। उस वक्त आपका रोल एक कॉम्प्लीमेंटिंग रोल है, आपने गाने को संवारना है, आपने गाने की और चार चांद लगा के पेश करने हैं। और जब आप सोलो बजा रहे हैं तो अपना आप रियाज जो करके आए हैं, क्योंकि जब आप दूसरे के साथ संगत कर रहे हैं तो उसका काम दिखाना है आपने, उस वक्त उसकी तान कहनी है। जब आप सोलो बजा रहे हैं तो अपने घराने की जो खासियतें हैं, अपनी बंदिश है, जो आपने सीखी है वो। लेकिन सारंगी प्लेयर को संगतकार अच्छा बनने के लिए ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है, उसको शुरू से अच्छे गवैयों के साथ बैठना पड़ता है और फिर उसकी नॉलेज जो है वो गवैये से ज़्यादा होनी चाहिए ताकि वो उस वक्त संगत कर सके। हर राग उसको समझ में आना चाहिए, या राग अगर उसे कहीं भी नहीं भी मालूम तो उसकी जो अप्रोच है वो ये रहनी चाहिए कि पहले राग को समझे, उसमें फिर कैसे गवैया बढ़त कर रहा है उस चीज़, उसमें आपको बहुत ही शार्प माइंडेड और बहुत ही प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, उसको समझ के आपको उसकी संगत करनी चाहिए। तो अगरचे वो नहीं कर रहे हैं तो वो सही संगत नहीं है। आप अगर उससे परेशान कर रहे हैं गवैये को तो वो भी एक आपका जो रूल है संगतकार का, जो प्रिंसिपल है, उससे हट के आप काम कर रहे हैं तो फिर वो डिस्टर्ब महसूस करेगा और फिर वो नहीं लेगा। तो इसमें दोनों की मैं समझता हूँ एक अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत ज़रूरी है। तो दोनों की कमियाँ रही हैं कि कुछ गवैयों ने उससे थ्रेटन महसूस करना शुरू कर दिया, इस वजह से उसको छोड़ दिया, और कुछ सारंगी प्लेयर्स को संगत का सही तरीका नहीं आया तो वो गवैयों को परेशान करके इस वजह से उन्होंने सारंगी लेना छोड़ दिया गाने वालों ने। लेकिन उसका दूसरा रंग ये हुआ कि सारंगी प्लेयर्स, जो कि मैं समझता हूँ मैंने सबसे पहले यंग एज में इनिशिएटिव लिया था कि अब थोड़ी देर बाद मैं एक सोलो सारंगी प्लेयर बनूंगा, लेकिन मैंने शुरुआत नगमा बजाया डांस के साथ, गज़ल के साथ, सब जितने भी गज़ल गायक बड़े हैं सबके साथ मैंने संगत की, गवैये जितने भी बड़े बड़े उस वक्त हुए आज भी, मतलब ये कि जो भी हैं सबके साथ मैंने गाना बजाना किया है और सबके साथ बैठा हूँ उसमें, चाहे ऊपर वाले का करम रहा मालिक का के श्रीमती गंगूबाई हैंगल जी के साथ, किशोरिया मुनकर जी के साथ और परवीन सुल्ताना जी के साथ, और सारे जितने भी बड़े बड़े कलाकार उस्ताद सलामत अली खान साहब, अमानत अली सॉरी फतेह अली खान साहब, अमानत अली खान साहब के छोटे भाई जो थे उनके साथ भी मैंने संगत की, और आज के जो गवैये हैं उनके साथ, सबके साथ मैंने बजाया। उसके बाद फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया, ये सोच ली कि मैं अब एक सोलोइस्ट बनूंगा, इसलिए क्योंकि मैं बताना चाहता था कि सारंगी का क्या रोल है भारतीय शास्त्रीय संगीत में और सारंगी क्या कर सकती है और क्या क्या किया है। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी था कि अपना एक रास्ता खुद बनाया जाए, लोगों को उसमें इनवाइट किया जाए कि आप आमंत्रित हैं, आप देखिए कि सारंगी कैसे खिदमत कर सकती है सुनने वालों को, श्रोता गण को कैसे एक फीलिंग ऑफ प्लेजर दे सकती है, आनंद दे सकती है। तो इस करके मैंने अलग अलग एल्बम्स की, सोलो एल्बम्स की, क्लासिकल एल्बम्स की, मेडिटेशन की एल्बम की और फ्यूजन एल्बम्स की, सारे वर्ल्ड के साथ, सो म्यूजिशियंस के जो अच्छे वर्ल्ड के म्यूजिशियन थे उनके साथ काम किया। उस्ताद जी अभी आपने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें 100 रंग हैं और इसमें खुशी का रंग भी है, तो क्यों ना कुछ खुशी का रंग हो जाए, चाहे तो राजस्थान से। जी जी मैं राजस्थान का आपको कुछ हो या जो भी आपकी जी, जी 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 जरूर। Oh
वादीला ढोल रे मैं तो कोयलड़ी रे बन जाऊं, मैं कोयलड़ी बन जाऊं, मैं बागों में रम जाऊं, मारे पीवर रे बहरा एक अंदाज है। इस इंटरव्यू में अभी एक का छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं और ब्रेक के बाद जब हाजिर होंगे तो ये बातचीत जारी रहेगी।